मैं हूं सुनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। सलमान ने अपनी लाइफ में किए कौन कौन से सिन, प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर खुद सलमान बताएंगे आज के दिन। Laziness from 7 to 9 in the morning. पापा अक्षय मीडिया के सामने जीन का बटन तक करते हैं फ्लॉन्ट, लेकिन बेटा आरव छिपा रहे हैं अपना चेहरा भी। येलो बूट गर्ल कालकी कोचिन ने उड़ाई अनुराग कश्यप की खिल्ली। I don't know if it's for me, he's lost some weight, yeah. लंदन गए ऐश्वर्या राय बच्चन का कॉट हुआ बेबी बम। और देंगे आपको मुंबई में चल रहे लैक्मे फैशन वीक की फुल हॉट एंड सेक्सी अपडेट्स। जूम ने पूरे कर लिए हैं अपने 7 साल और इस स्पेशल ईव का सेलिब्रेशन खुद आज से सलमान खान ने शुरू कर दिया है, क्योंकि सलमान जूम पर आकर खुद बताने जा रहे हैं उनके 7 sins। What is 7 virtues सलमान खान will never leave? 7 virtues सलमान खान will never leave. Never leave, yeah. अरे यार, I guess that would be love and love. एक नहीं दो नहीं पूरे 7 बार कहना पड़ा सलमान खान को लव। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि सलमान खान की लाइफ में कितना सारा लव है सबको देने के लिए। सिर्फ यही नहीं, सलमान ने खोले जूम पर कई सारे राज। Which is the deadliest of the 7 deadly scenes I'm talking about? Lust, gluttony, greed, laziness, wrath, pride, envy. Depending on what limit of all these things you're at. Okay. If you're all these things on a very small level, I think it's fine. Which is the one you see in yourself? Laziness. Why? Laziness from 7 to 9 in the morning. आप सात समुंदर पार किसके लिए जाएंगे? मैं सात समुंदर पार छुट्टियों के लिए जाऊंगा यार। छुट्टी के लिए जाऊंगा। What does सात फेरा means to you? सात. The importance सात फेरा. शादी. शादी. What is 7 virtues Salman Khan will never leave? Seven virtues Salman Khan will never leave. Never leave, yeah. अरे यार, I guess that would be love and love. सलमान की लव लाइफ का सबसे बड़ा राज तो आज जूम पर खुलेगा ही, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आखिर क्या वजह है कि सलमान खान की हर बात में आ रहा है 7 यानी 7 का जिक्र। तो आपको बता दें कि आपका चहेता इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल जूम पूरे कर रहा है अपने 7 साल, और जूम के 7 years कंप्लीट करने के सेलिब्रेशन से जुड़ने जा रहे हैं बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार्स। इस वीकेंड से जूम के 7 साल पूरे होने के सेलिब्रेशन पावर ऑफ 7 की शुरुआत हो रही है, और जूम के इस मेगा सेलिब्रेशन को किक स्टार्ट दे रहे हैं खुद सलमान खान। Hi, this is Salman Khan and you're watching Zoom, India's number one Bollywood channel. जूम को आपके प्यार और इन स्टार्स की फेथ और बिलीफ ने ही नंबर 1 बनाया है, इसीलिए इन स्टार्स ने किसी और को नहीं सिर्फ जूम को दी है अपने दिल की चाबी। तो चलिए इस चाबी से खोलते हैं सलमान के दिल का ताला। Have you ever felt the 7 year itch? 7 year itch? Yeah. I've never crossed that 7 years. So the 7 year itch. Okay, Salman. Once I cross the 7, then I will tell you. आपने अपनी रिलेशनशिप के 7 साल पूरे नहीं किए तो क्या हुआ, जूम ने तो पूरे कर लिए हैं। इसी खुशी के मौके पर कम से कम यही तो बता दीजिए। What is the 7 year itch, by the way, me? Yeah, 7 years. You said you have been relationship for 7 years, so being feeling like should be out of it, something like that. No. Nothing. No. So we'll start with the podcast. You feel that? No, not at all. 7 years तो number time. 7 दिन कोई लड़का है मेरे साथ? कोई लड़का है उसे? लड़की। चलिए, आपने इतना तो कबूल किया कि आप अपनी रिलेशनशिप से बोर नहीं हुए हैं अब तक। कल थी मुंबई में एक किड्स फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां ऋतिक के दोनों बेटे तो बड़े शान से फोटोज क्लिक करवा रहे थे, लेकिन अक्षय के बेटे आरव ने जैसे ही मीडिया के कैमरा को देखा अपने आप को कर लिया बाथरूम में बंद। ये ओस की बूंदे हैं। ये पत्तों की गोद में आसमां से कूदे हैं। ये नाजुक से मोती हैं जो हंसकर फिसल जाते हैं।
ये सितारों के तारे हैं, ये स्टार किड्स सारे हैं। जूम आपको स्टार्स के विजुअल्स और टॉप स्टोरीज तो हमेशा ही दिखाता है, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर स्टार्स, यानी कि स्टार्स के नन्हे नन्हे बच्चे। पहले इनसे मिलिए। ये हैं रुदान और रेहान। दोनों के दोनों लग रहे हैं मस्त और जबरदस्त। देखिए तो सही, रिधान कैसे अपनी मम्मी से जिद कर रहे हैं कि उन्हें गोदी में लिया जाए, और हर मदर की तरह मम्मी सुजैन उन्हें कैसे बहला रही हैं। और अब देखिए जरा, यहाँ रिधान और रेहान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फोटो क्लिक करवाने से, लेकिन हाँ आरव को जरूर हो रही है। देखिए तो सही, मीडिया कैसे आरव के पीछे पड़ी है और आरव अपने आप को छुपा रहे हैं। और तो और, देखिए कैसे आरव अपने दोस्तों के साथ बाथरूम में ही घुस गए, और जब बाहर भी आए तो सीधा फिल्म देखने ही चले गए। वेल, ये स्पेशल स्क्रीनिंग थी एक किड्स फिल्म की, जहां बॉलीवुड स्टार्स के किड्स पहुंचे थे। लेकिन ये तो बच्चा नहीं लगता, ये यहां क्यों पहुंच गया? इवेंट के लिए सिंगम देख रहा है। अच्छा, तो ये बात है। वैसे यहां इन बच्चों ने तो बात नहीं की, लेकिन हाँ इनकी मम्मी ने बात जरूर की। Come for this movie because it's supposed to be really good, so we're looking forward to seeing it. तो कुछ इसी तरह थी ये शाम, जहां सितारे नहीं तारे जमीन पर उतरे थे। कालकी कोचिन वैसे तो अपने हस्बैंड की बहुत तारीफ करती है, लेकिन कल उन्होंने जूम के बूम पर उड़ाई अनुराग की खिल्ली, वो भी उनके वेट को लेकर। अपनी अपकमिंग मूवी दैट गर्ल इन येलो बूट्स को प्रमोट करने कल्की आई एक बुक स्टोर में विद हबी अनुराग एंड शैतान फेम को स्टार गौरव। कल्की ने जहां मीडिया से मूवी के बारे में काफी कुछ कहा, वहीं जूम के साथ एक्सक्लूसिवली कुछ फनी बातें भी कर डाली। फॉर इंस्टेंस, शी मॉक्ड अनुराग्स वेट। हुआ यूं कि हमारी जर्नलिस्ट की नजर पड़ी कल्की के येलो बूट्स पर, जो थोड़े वोन आउट थे। So she asked the story of the wear and tear. So Kalki ne bataya, ye shoes pehenkar she went to Kashmir for a trek. Pulled them from the production department, and I wore them. Actually, the reason they're so worn out is because I wore them trekking in Kashmir last year. So yeah, don't tell my director. वैसे Kalki, even if we tell the director, तो भी क्या फर्क पड़ता है? आखिर वो आपके hubby dear Anurag ही है ना? He doesn't go trekking with me, as you can see. Oops. Kalki, but didn't he lose weight for you? I don't know if it's for me. He's lost some weight, yeah. अब तो आपने देख ही लिया कि कल्की थी टोटल फन के मूड में। इसके अलावा कल्की एंड अनुराग ने क्या मस्ती की, ये जानना है तो ट्यून इन टू बी टुनाइट एट 10 PM। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures from B-Town for you. शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या और अभिषेक की रिसेंटली लंदन में क्लिक की गई पिक्चर के साथ। जरा गौर से देखिए, इस तस्वीर में आपको ऐश्वर्या राय बच्चन का बेबी बम साफ नजर आ जाएगा। और अब आपको ले चलते हैं आगे और दिखाते हैं फिल्म चतुर सिंह 2 स्टार के कुछ इंटरेस्टिंग पोस्टर्स। ये देखिए जरा, इस पोस्टर में चतुर सिंह, हमारा मतलब संजय दत्त के साथ खड़ी है अमीषा पटेल, और दोनों के ही एक्सप्रेशन है बड़े अजीब से। एनीवे, ये तो थी सीन्स की पिक्चर, लेकिन अब जरा आप देखिए हॉट सीन्स की पिक्चर्स। वाव, रेड साड़ी में अमीषा लग रही है सुपर हॉट। वैसे अमीषा पर ये व्हाइट शर्ट भी कम नहीं लग रही। Anyway, बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं सैफ और करीना की ये लेटेस्ट तस्वीर। Well, सैफ और करीना को स्पॉट किया गया जहां वो सैफ के बर्थडे के ईव पर स्पेशल वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ देयर टाइट स्केड्यूल्स। Anyway, सैफ और बेबो को वेकेशन एंजॉय करने देते हैं, और आपको ले चलते हैं फिल्म देसी बॉयज के सेट पर, जहां शॉर्ट ड्रेस में दीपिका लग रही है सुपर हॉट। फिल्म देसी बॉय से अब सीधा चलिए फिल्म रास्कल के सेट पर, जहां संजय दत्त और अजय देवगन दोनों ही लाल पैंट्स पहनकर क्या प्रूव करना चाहते हैं, दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। एनीवे, अब करते हैं थोड़ी फैशन की बात और दिखाते हैं आपको हेमा मालिनी जी की लेटेस्ट तस्वीरें, जिसमें वो स्काई ब्लू ट्रेडिशनल साड़ी में लग रही है बहुत खूबसूरत। एनीवे, आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM एंड 10 PM। कल तक
करीना कपूर गुस्से में थी और आज सैफ भी गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, लेकिन किस बात के लिए, चलिए पता करते हैं। कल जूम ने आपको दिखाया था कि कैसे करीना कपूर गुस्से में लाल हैं, क्योंकि कोई उनके मैडम टुसाज के स्टैचू को लेकर अलग अलग तरह के रूमर्स फैला रहा है। और अपेरेंटली करीना के सोर्सेज का कहना है कि इन रूमर्स के पीछे बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस का हाथ है। वेल, ये तो है कल की खबर, लेकिन आज की न्यूज ये है कि अब छोटे नवाब को भी आ रहा है गुस्सा। लेकिन उनके गुस्से की वजह करीना के मैडम टुसाज वाली बात नहीं, बल्कि उनकी और करीना की शादी की खबरें हैं, और इसीलिए अब वो खोज रहे हैं उस शख्स को जो उनकी और करीना की वेडिंग के फैला रहा है रूमर्स। दरअसल पिछले दिनों ये खबर आई थी कि करीना कपूर और सैफ अली खान 2012 में शादी करने जा रहे हैं। यही नहीं, खबरें तो ये भी उड़ी कि करीना का वेडिंग ड्रेस भी डिजाइनर ऋतु कुमार डिजाइन करेंगी, जिन्होंने सैफ की माँ शर्मिला टैगोर के लिए भी वेडिंग आउटफिट डिजाइन किया था। वेल, जैसे ही सैफ अली खान ने ये खबर सुनी तो वो अपेरेंटली गुस्से में लाल हो गए और उन्होंने डिजाइनर ऋतु कुमार से लड़ाई भी कर ली। यही नहीं, वो अब इस बात का भी पता लगा रहे हैं कि आखिर ऐसी खबर किसने फैलाई है। Apparently, he called his PR to do damage control. He also called up his close friends to find out who gave this information to the press. अब करीना और सैफ चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो रहे हो, लेकिन इन रूमर्स ने इस कपल को लाइमलाइट में जरूर ला दिया है। फिल्म धूम में अब आमिर के ऑपोजिट होंगी एक फॉरेनर। नहीं नहीं, हम कैटरीना की बात नहीं कर रहे, वो तो कोई और ही है। कौन है वो, लेट्स फाइंड आउट। आमिर खान के ऑपोजिट फिर से एक बार दिखेंगी एक गोरी मेम। नहीं नहीं, हम आमिर की लगान की एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम बात कर रहे हैं रंग दे बसंती फेम एलिस पैटन की। और जिन लोगों को ये लग रहा था कि आमिर खान दिखेंगे कैटरीना कैफ के साथ इन धूम 3, तो वो भी खबर है गलत। लगता है आदित्य चोपड़ा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं धूम 3 को एक सुपर डुपर हिट बनाने की। वेल, ही इज प्लानिंग टू रोप इन हॉलीवुड ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेसेस लाइक नैटली पोर्टमैन, स्पैनिश सुपरस्टार पेनेलोपी क्रूज और डेस्परेट हाउसवाइव्स फेम ईवा लोंगोरिया। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो आमिर खान इन तीनों में से किसी एक एक्ट्रेस के साथ धूम 3 में दिख सकते हैं। अगर इन तीनों स्टार्स को रोप इन कर पाना हो जाएगा मुश्किल, तो भी यशराज फिल्म्स हार नहीं मानेंगे, क्योंकि इस बार वायर ऑफ बैनर ने ठान लिया है कि वो धूम 3 को ले जाएंगे एक ग्लोबल लेवल पर। एंड व्हाट्स बेटर देन रोपिंग इन अ हॉलीवुड हॉटी। और अगर ऐसा हो गया तो दूसरी लगान या रंग दे बसंती जैसी ब्लॉकबस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है धूम 3 को। और अब बात फिल्म रॉकस्टार की। फिल्म रॉकस्टार ओवर बजट हो गई है। फिल्म में 45 करोड़ की जगह 60 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं, और इन सब की वजह है इम्तियाज अली का सीन्स को बार बार शूट करना। अगर आप तरस गए हैं रणबीर कपूर को इस अवतार में देखने के लिए, तो आपको बता दें कि आप सभी को कुछ और देर इंतजार करना पड़ेगा, और वजह है डायरेक्टर इम्तियाज अली खुद। अपनी फिल्म रॉकस्टार को लेकर इम्तियाज अली इतने पोजेसिव हो चले हैं कि वो कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर शूट। अगर उन्हें कोई सीन पसंद नहीं आ रहा तो उसी सीन को करते हैं दोबारा से शूट। अपनी फिल्म को एक परफेक्ट फिल्म बनाने के चक्कर में इन जनाब ने फिल्म का बजट भी बढ़ा दिया है। जो फिल्म का बजट था ₹45 करोड़, अब हो गया है ₹60 करोड़। इम्तियाज अली का परफेक्शनिज्म और प्रोड्यूसर्स के बीच में हुई लड़ाई की वजह से फिल्म में घुस गए हैं पूरे 15 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा। लगता है प्रोड्यूसर्स के बीच हुई लड़ाई का अच्छा फायदा उठाया है इम्तियाज ने, और रीशूट करने लगे हैं अपने फिल्म के सीन्स को। हम तो यही सलाह देंगे इम्तियाज अली को कि वो जल्द ही रिलीज कर दें अपनी फिल्म रॉकस्टार, वरना कहीं उन्हें लेने के देने ना पड़ जाएं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे प्रकाश झा क्यों बोल रहे हैं अजय देवगन को थैंक यू। अजय देवगन भूल गए हैं प्रकाश झा से अपनी दुश्मनी को, क्योंकि अब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुद कॉल करके कह रहे हैं कि प्रकाश झा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। फुल डिटेल्स ऑन दिस कमिंग अप नेक्स्ट।
फिल्म आरक्षण को लेकर हुई जबरदस्त कंट्रोवर्सी, और इस कंट्रोवर्सी ने प्रकाश झा को परेशान कर दिया क्योंकि फिल्म को 40 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया है। ऐसे में जब प्रकाश झा को किसी के साथ की जरूरत है तो उनके दोस्त भले ही सामने न आए हों, लेकिन उनके सो कॉल्ड दुश्मन जरूर सामने आ गए हैं। जी हाँ, अजय देवगन जो प्रकाश झा के साथ काफी वक्त से बात तक नहीं कर रहे थे, अब उनके सपोर्ट में आ गए हैं। सोर्सेज ने बताया है कि जैसे ही अजय देवगन को पता चला कि प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने दुश्मनी बुलाकर खुद सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को पर्सनली फोन करके कहा कि फिल्म को नुकसान ना होने दिया जाए। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आया है कि अजय देवगन ने अपने नियर एंड डियर वंस को भी प्रकाश झा को सपोर्ट करने के लिए कहा। कहते हैं बुरे वक्त में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त है। शायद इसीलिए जब प्रकाश झा को अजय देवगन के इस सपोर्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने स्पेशली थैंक्स कहने के लिए अजय को फोन भी किया। अब दोनों एक तो हो गए, लेकिन इस खबर में आपको ये भी बताना जरूरी है कि दोनों के बीच दुश्मनी की दरार पड़ी क्यों थी। दरअसल फिल्म आरक्षण में प्रकाश झा पहले अजय देवगन को साइन कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद अजय देवगन ने फिल्म से वॉकआउट कर लिया। प्रकाश झा भी कम नहीं थे, उन्होंने अजय के चले जाने के बाद सीधा सैफ अली खान को साइन कर लिया, और बस इसी बात ने लाई दोनों की दोस्तों में दरार। लेकिन अब अजय प्रकाश झा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसे देखकर कहना तो बनता ही है कि अब दोनों के बीच रामगोपाल वर्मा और अनुराग कश्यप की कल रात हुई मुलाकात। इस मुलाकात में क्या हुई बात, वी हैव ऑल द डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अनुराग काश्यप और रामगोपाल वर्मा की वापस दोस्ती हो गई है। दो दिन पहले दोनों मिले, बातचीत की, गिले शिकवे दूर किए, एंड नाउ इट लुक्स लाइक दे माइट वर्क टुगेदर अगेन। अनुराग स्टार्टेड हिज करियर विद रामगोपाल वर्मा। ही वर्क्ड विद आरजीवी इन फिल्म्स लाइक सत्या, कंपनी। लेकिन बाद में इनकी दोस्ती में खटास पड़ गई। यहां तक कि अनुराग काश्यप ने साफ कहा कि आरजीवी की फिल्मों में विश्वास करना उन्होंने बंद कर दिया है, एंड ही हैज नॉट एंड विल नेवर वॉच फिल्म्स लाइक आरजीवी की आग एंड डार्लिंग। लेकिन दो दिन पहले मिलकर दोनों ने की ढेर सारी बातें, सत्या के दिनों को याद किया। यहां तक कि आरजीवी आल्सो इनवाइटेड अनुराग फॉर अ स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ नॉट अ लव स्टोरी, एंड नाउ देयर आर ऑल द चांसेस कि वो दोनों जल्द ही साथ में काम करेंगे। रवीना टंडन पहुंची एक फूड ब्रांड को प्रमोट करने। वेल, इस इवेंट पर क्या कुछ हुआ खास, चलिए जानते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं रवीना टंडन की डेट से। रवीना टंडन कर रही हैं किसे डेट, खुद उनसे ही जान लेते हैं। जी हाँ, एक कार्टून कैरेक्टर स्पंज बॉब के साथ हैं रवीना डेट पर, और नहीं चाहती हैं कि उन्हें कोई करे डिस्टर्ब। आई वुड लव टू टॉक अबाउट अन्ना जी, आई वुड लव टू टॉक अबाउट एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, एंड आई लव टू टॉक अबाउट मायसेल्फ, बट राइट नाउ आई ओनली हैव टू टॉक अबाउट दिस माय डेट फॉर द डे। बच्चों के कार्टून चैनल और एक फेमस फूड चेन को प्रमोट करने आई रवीना टंडन ने साफ इनकार कर दिया किसी और चीज के बारे में बात करने से। वी आर हियर एक्चुअली टू टॉक अबाउट ओनली दिस। I've been strictly briefed and nothing else. ठीक है रवीना जी, अन्ना हजारे और अपने बारे में ना सही, कम से कम अपनी डेट स्पंज बॉब के बारे में तो बता ही दीजिए। ये है स्पंज बॉब, ये बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करते हैं बच्चों को, और इनफैक्ट मेरी बच्ची का एक बर्थडे पार्टी भी था, ऑल स्पंज बॉब एंड स्क्वेयर पैंट्स का पार्टी था, जहाँ पे ये हीरो आए थे और बहुत बच्चों को हंसाया, एंटरटेन किया। ये तो थी आपके डेट की बात, कुछ और बताना चाहेंगे आप? Nothing else. लगता है रवीना ठान कर आई थी कि वो यहाँ सिर्फ प्रमोट करेंगी अपने डेट स्पंज बॉब को। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे लैक्मे फैशन वीक की फुल अपडेट्स। और अब हम आपको दिखाते हैं लैक्मे फैशन वीक की फुल अपडेट्स।
डे वन के मुकाबले डे टू रहा थोड़ा ज्यादा स्टार स्टार्टेड। यहाँ हमें दिखी करिश्मा कपूर, ट्विंकल खन्ना, आयशा टाकिया, सेलिना जेटली, फॉर्मर मिस इंडियाज डायना हेडन, युक्ता मुखी एंड मेनी मोर सेलेब्स। करिश्मा तो यहाँ आई इन अ हरी और चली भी गई इन अ हरी, वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट एंड ब्लू डेनिम्स with a black and white checkered bag. Lolo, ये बताइए क्या हम आपको Lakme Fashion Week के रैंप पर देखेंगे इस साल? Let's see, you never know. चलिए, करिश्मा तो सस्पेंस खड़ा करके चली गई, लेकिन अभी भी हमारे पास हैं बहुत सारी बी टाउन ब्यूटीज टू टॉक अबाउट, जैसे कि ट्विंकल खन्ना, जिन्होंने पहना था एक स्मार्ट ब्लैक जैकेट with a Scorpio brooch pinned neatly. Twinkle लग तो रही थी काफी stunning, but unfortunately she didn't bother to interact with the media. साथ ही हमने spot किया Selena Jetley को wearing a shimmery fitted short dress. Sonal Chauhan, जिन्होंने walk किया the ramp wearing a golden silverish attire. She seemed quite confident. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.